भारत जोड़ो यात्रा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल काफी वायरल हो रहा है। इसमें राहुल गांधी एक शख्स का हाथ झटके दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी एक मंच पर पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ दिख रहे हैं और इसी बीच राहुल गांधी के पास खड़ा एक समर्थक अपने मोबाइल से कांग्रेस सांसद के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल उसका हाथ झटक देते हैं और मंच से सीधे नीचे उतर जाते हैं। राहुल के इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी का घेराव शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बीजेपी के प्रवक्ता अजय सहरावत ने इस पर ट्वीट करके चुटकी भी ले ली है। वहीं बात करें अमित मालवीय की, तो अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी को ये सीखने की जरूरत है कि सार्वजनिक रूप से खुद को कैसे पेश करें। वहीं कांग्रेस की तरफ से बात करें तो किसी नेता ने अब तक राहुल के इस वीडियो पर कुछ खास टिप्पणी नहीं की। वर्कफ्रंट की बात करें तो कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 8 राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजर चुकी है। यात्रा फिलहाल हरियाणा में एंटर कर चुकी है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही पदयात्रा ने अब तक 2800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है।